अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें। हेलो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के कुछ वायरल चेहरे जो कि हूबहू किसी एक्टर से मिलते हैं, उन चेहरों में कुछ चेहरे तो अपनी बेकार एक्टिंग की वजह से सोशल मीडिया पर बड़ा नाम नहीं बना पाए, लेकिन कुछ चेहरे अपनी बेहतरीन एक्टिंग और मिमिक्री के साथ वायरल हो गए। उनमें से एक नाम शशिकांत पैडवाल का भी है। शशिकांत की शक्ल बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से मिलती है और उस शक्ल मिलने का फायदा भी शशिकांत ने अपनी अच्छी मिमिक्री द्वारा उठाया है। आज सोशल मीडिया पर ये डुप्लीकेट ऑफ अमिताभ बच्चन के नाम से जाने जाते हैं और इसी नाम से इन्होंने लाखों में फैन फॉलोइंग प्राप्त कर ली है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको शशिकांत की सारी कहानी बताएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। आपको कम बताया जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। शशिकांत पैडवाल का जन्म 5 जुलाई साल 1970 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ। शशिकांत अपने माँ पापा से बहुत प्यार करते हैं। इनके पिता का नाम भोपाल सिंह और इनकी माँ का नाम कमला बाई है। शशिकांत ने अपनी स्कूली पढ़ाई नासिक के न्यू सिटी हाई स्कूल से की और कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने MD पैलेसा कॉमर्स कॉलेज से की। शशिकांत फिलहाल में पुणे महाराष्ट्र में रहते हैं। शशिकांत को बचपन से ही फिल्में पसंद थीं और उन्हीं को देखकर ये मिमिक्री भी करने लगे थे। जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो ये बहुत सारे लोगों की मिमिक्री करने लगे। वही बात कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ कि मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूँ मैं, दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। इनकी अच्छी मिमिक्री को देखकर इनके दोस्तों ने इनसे कहा कि तुम अच्छी मिमिक्री कर लेते हो। मिमिक्री काफी अच्छी होने के कारण इन्हें एक स्टेज शो करने का मौका मिला। उस स्टेज शो में इन्होंने खूब वाहवाही लूटी। उसके बाद इन्हें मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर लगभग 1000 और शोज करने को मिले। उन शोज के बाद शशिकांत एक बड़ा नाम बन चुके थे। करियर के शुरुआत में इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी भी की थी, लेकिन इनकी स्टैंड अप कॉमेडी चल न सकी। उसके बाद इन्होंने अपने दोस्तों के कहने पर अमिताभ बच्चन का लुक अपनाया और साथ ही इनकी मिमिक्री करके ये वायरल हो गए। शशिकांत की साल 1997 में शादी भी हो गई। शशिकांत एक मिमिक्री आर्टिस्ट होने के साथ साथ ये गवर्नमेंट ITI के प्रोफेसर भी हैं। शशिकांत सोशल वर्क में भी लगाव रखते हैं। इंडिया में जब टिकटॉक आया था तो ये भी टिकटॉक पर अपनी वीडियो डालने लगे थे। ये टिकटॉक पर अमिताभ बच्चन के लुक और उनकी मिमिक्री के साथ उतरे। भाई मुंशी जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए मुंशी जी? अरे मुंशी जी क्या बात है, आप भी अगल बगल मत खड़ा रहिए, हमारे साथ खड़े रहिए। टिकटॉक पर शशिकांत शुरू से ही वायरल रहे। टिकटॉक पर इन्होंने अच्छी फैन फॉलोइंग प्राप्त कर ली, लेकिन तभी इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक के बाद ये इंस्टाग्राम से जुड़ रील्स पर अपनी वीडियोस डालने लगे। रील्स पर भी इन्हें शुरुआत से ही प्यार मिला। शशिकांत के इंस्टाग्राम पर आज लगभग 5 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। लोग सूरत की बात करते हैं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कदकाठी से अमिताभ बच्चन जैसे दिखने वाले शशिकांत ने अपनी मिमिक्री से ये दिखा दिया कि उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये अपने वायरल होने का सारा क्रेडिट आज भी अमिताभ बच्चन को ही देते हैं। इनका लुक इतना बेहतरीन रहता है कि बहुत देर तक लोग इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। आज डुप्लीकेट ऑफ अमिताभ बच्चन के नाम से छाए शशिकांत ने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन इनकी कामयाबी तो इनके टैलेंट में छुपी थी जो कि अब बाहर भी आ चुकी है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमसे कनेक्टेड रहें। डॉक्टर तो सिर्फ जान बचाते हैं, तूने तो लोगों को जीना सिखा दिया। तू हमेशा माँ को जफ्फी देता रहा, आज बाप की हसरत भी पूरी कर दे।